तो आज की हमारी इस क्लास में हम बातचीत कर रहे हैं पावर बीआई के बारे में, और पावर बीआई में हम बात करेंगे इफ कंडीशंस और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम एक्सेल में सॉल्व करते थे, उसी क्वेश्चन को हम पावर बीआई में आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूँ, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग शुरू कर ही लिया है। चलिए, तो मेरे पास छोटे छोटे डेटा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुझे यहाँ पे नेम एंड क्वांटिटी है, क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 60 है तो उसको 40 से मल्टीप्लाई करना है, इसको इफ के साथ और बिना इफ के साथ मुझे ट्रिगर करना है। तो इस डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ एंटर डेटा पे आता हूँ, और इसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ सिंपल। देन यहाँ पे हम क्वेश्चंस वन के नाम से देते हैं और इसको लोड कर देते हैं। 2 मिनट लगेगा लोड होने में। सुरेश जी, आप लोगों ने क्वेश्चन को किया हुआ है, बस अतीश जी ने नहीं किया है, तो चलिए उन्हीं के साथ लेते हैं। और दूसरी चीज, आपके क्वेश्चंस की भी मैंने बताया नहीं था कि यहाँ पे क्या दिक्कत है, तो आप एक बार इसको कंपेयर। जी, अच्छा है, 3 आदमी आए तो फिर सही रहेगा। जी, इस तरह के क्वेश्चंस को आपने एक्सेल पे सॉल्व किया था मेरी। जी अब देखिए इसको हम पावर बीआई पे सॉल्व करते हैं, और दोनों में सेम कंडीशंस है, खास नहीं। इसलिए मैं बोला था कि पावर बीआई अगर एक्सेल आता है तो पावर बीआई जल्दी आपको आ जाए। तो यहां पे हम आते हैं डेटा में, अब एक नया कॉलम ऐड करते हैं। अब यहां पे मैं कमीशन के नाम से देता हूं, और यहां देता हूं कि इफ क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन था, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 60, देन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 40 अदरवाइज 0। ये तो हमने इफ के साथ कर दिया। अब मुझे अगला जो करना है विदाउट इफ, तो वापस हम एक कॉलम ऐड करते हैं, और यहां पे कमीशन विदाउट इफ। तो यहाँ पे हम आपको बता दूं कि हमने क्या किया कि क्वांटिटी को हमने जस्ट चेकआउट किया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है या नहीं। जैसे कल मैंने आपको कल नहीं, लास्ट टू लास्ट क्लासेस में जो मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाया था, तो कल ही पढ़ाया था, तो ट्रू एंड फॉल्स आ गया। और पावर बी आई ही नहीं, एक्सेल ही नहीं, पावर बी आई में भी आपका ट्रू इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इक्वल टू 0 होता है। इसको मल्टीप्लाई बाय हमने कर दिया क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आए 0 आएगा, नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई 41 41 होगा। तो इससे क्या हुआ कि जो ग्रेटर देन 60 है वो यहाँ पे आपको पूरा फिल्टर हो गया, बाकी 0 हो गया। वापस इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है 40 से, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 40 0 एंड नंबर जो 65 मल्टीप्लाई बाय 2600, तो आपका रिजल्ट आएगा। तो हमने एक कंडीशन को बिना इफ यूज किए भी सॉल्व कर लिया। तो इस तरह की मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हमें इफ की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। समझ गए सर? तो दिवाकर जी, अतीत जी एंड सुरेश जी, समझ में आया आपको? दिवाकर जी, आपको कोई डाउट इसमें? जी, नहीं, कोई डाउट नहीं सर। जी सर, इसमें आपने कॉमा की जगह पे ये मल्टीप्लिकेशन का यूज किया है। कॉमा किया मैंने इसमें, इसमें कॉमा क्यों करेंगे, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया ना सर। नहीं, जैसे हम नॉर्मल इफ कंडीशन में ट्रू और फॉल्स कंडीशन के लिए कॉमा यूज करते थे ना, तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई 40 करके ट्रू आप कंडीशन। समझे नहीं सर, एक बताता हूँ। बोलो ना।
तो यहां पे हम अगला हम एक अगला डेटा लॉन्च कर, आप समझे नहीं, मैं दोबारा समझाता हूं, सुनिए। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने बोला क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। हमें यहां पे इफ यूज नहीं करना है, हमने क्या नहीं यूज करना है, अब मेरे पास ट्रू एंड फॉल्स आ गया, आ गया जी। अब ट्रू एंड फॉल्स को मैं क्या करूंगा, हम मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कर देंगे। कॉमा तक नहीं सकते कि कोई फॉर्मूला हम लगाएंगे तभी ना कॉमा यूज करेंगे। ओके, तो हमने क्वांटिटी के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो पावर बीआई में फॉल्स जीरो होता है एंड ट्रू वन होता है, तो फॉल्स मल्टीप्लाई बाय 41 तो क्या होगा, जीरो। एंड ट्रू मल्टीप्लाई बाय 65 तो क्या होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दे। हाँ, मल्टीप्लाई किया तो 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, 130। नहीं, 65 आएगा, ट्रू 1 है ना। हमने आपको क्या बताया कि फॉल्स जो होता है जीरो होता है कैलकुलेशन करते समय, एंड ट्रू इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हमने ट्रू मल्टीप्लाई बाय 65 किया तो सिंपल सा यहाँ पे 65 आएगा ना। ठीक है, 65 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा ना सर। नहीं ठीक है, मैं समझ गया, समझ गया ना, क्योंकि यहाँ इफ तो यूज, कोई फॉर्मूला यूज तक करना नहीं है हमें जी। तो यहाँ पे हमारा नंबर आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पे अपना नंबर नहीं चाहिए, मुझे नंबर को 45 से मल्टीप्लाई करके चाहिए ना, 40 से, सॉरी यहाँ पे हमने 40 मल्टीप्लाई किया हो ना, क्वान्टिटी मल्टीप्लाई 40। तो यहां भी हम इस पूरे रिजल्ट को मल्टीप्लाई बाय 40 कर देते। आप समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन चाहे कि मार्क्स हो तो पास और फेल चाहिए, यहां भी सिंपल इफ यूज कर लेंगे हम, मैं करके दिखाता हूं। एंटर डेटा, क्वेश्चन नंबर 2, बस लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आया, यहां भी हम न्यू कॉलम्स, यहां पे हम कर देंगे रिजल्ट, यहां करेंगे इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, यहां इन्वर्टेड कॉमा में पास लिखेंगे और फिर वापस। रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर ग्रेटर देन 200 है तो स्टीडी, अदरवाइज लोकल, इसको भी जनरली कर ही सकते हैं जी। चौथा में क्वेश्चन है कि टैक्स मल्टीप्लाई करना है, तो इसको बता देता हूं, यहां पे आता हूं और होम में एंड इंटर डेटा में नंबर 4 लोड।
क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं, न्यू कॉलम। और यहां पे हम लेते हैं टैक्स। कंडीशन क्या है कि अगर 500 से ऊपर, मैंने यहां पे बुलाया कि यहां पे है क्वेश्चन नंबर कि अगर हमने गलत कर दिया एमआरपी, हाँ एमआरपी और टैक्स दोनों ले लिया मैंने, तो टैक्स को मैं रिपीट कर देता हूँ इस टैक्स को, एक नाम का दो कलम तो होगा नहीं, ये टैक्स पहले से एमआरपी कलेक्ट कर देता तो हमने कॉलम डिलीट किया, तो मतलब कि हमारा डेटा में ये तो एंटायर डेटा ऐसे डिलीट हुआ, लेकिन अगर इंसर्ट होता तो डिलीट नहीं होता। तो यहाँ पे एमआरपी अगर 500 से ऊपर है तो 12% टैक्स लगेगा, अदरवाइज 5% टैक्स लगेगा। तो हमने यहाँ इसमें कॉलम टूल्स पे गए, न्यू कॉलम, और यहां पे हम कर देते हैं टैक्स, कर देते हैं एफ एम आर पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500, तो एम आर पी का 12%, अदरवाइज एम आर पी का 10%, 10% नहीं 5% था, सॉरी। अब यहां पे एक क्या लग रहा है कि काम करेगा? नहीं करेगा सर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एम आर पी सर वो नहीं चुने हम लोग, MRP गलत चुना है, 5% में जो MRP लिखे हैं वो परसेंट लगा हुआ है इसलिए है। जी हाँ, ये तो गलत है ही MRP का जी, ये तो हमें सेलेक्ट करना था, और यहाँ पे परसेंट इसके बाद भी नहीं होगा दिवाकर जी, क्योंकि परसेंटेज नहीं लेता है सर, लाइन नहीं होता है, परसेंटेज लेता ही नहीं है सर। जी हाँ, इसलिए मैं एग्जांपल आपको बताया, इसमें मुझे परसेंटेज के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज हटा के खाली से पॉइंट कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए 0.12 जी, और 0.05 आपको तो अगला क्वेश्चन का डाटा कॉपी कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा टाइम के ऊपर है, मुझे ड्यूटी निकालनी है। तो एक मिनट, हाँ आ गया, ठीक है सर, वापस होम पे जाते हैं, एंटर डेटा, और यहां पे हम कॉलम सिलेक्ट करके डेटा को पेस्ट कर देते हैं, और यहां पे आता होता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे लोड कर देते हैं, लोड होने थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो गया सर, हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं।
हो गया, यहाँ पे डेटा आ गया क्वेश्चन नंबर सिक्स का टाइम। इसमें देखने जस्ट जो वो बनाए कि 10 बजे से ऊपर का टाइम हुआ तो इसमें ओटी अदरवाइज एंट्री करना। अब यहाँ पे ये बताने के पीछे रीजन क्या है कि जब टाइम देंगे ना, यहाँ पे मैं अगर मैं टाइम ड्यूटी का देता हूँ और यहाँ पे और यहाँ पे मैं देता हूँ कंडीशन कि इफ मैं यहाँ पे बोलूँ ग्रेटर देन इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह का तो टाइम नहीं होगा, टेक्स्ट होगा। मुझे टाइम देना है तो मुझे इसको टाइम फॉर्मूले के अंदर में देना होगा। एग्जांपल मैंने इसलिए बताया था 22,00,00 देन यहाँ पे आ जाए ओटी पर्पस ये था मेरा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में थोड़ा सा है दिक्कत, चलिए इसको भी हम बताते हैं। इसके लिए हम जाते हैं होम पे, आते हैं यहाँ पे न्यू कॉलन, न्यू कॉलन कर लिया हमें, तो न्यू डेटा चाहिए ना, किया टेस्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स यहां पर मैं लोड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6-2 में आ गया। अब मुझे इस पे हर सब्जेक्ट में अगर ग्रेटर देन 30 है तो पास करना है, अदरवाइज फेल करना है। तो इसके दो तरीके हैं, दो तरीके से इसको हम कर सकते हैं। पहले हम एंड लगाते हैं, तो यहां पे हम रिजल्ट नाम का बनाया और यहां पे हम करते हैं एंड सब्जेक्ट सब सब यहां पे सब्जेक्ट वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा सब्जेक्ट टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अब दो हो गए राइट, ट्रू एंड फॉल्स है। एक इसके आगे मैं एक और एंड लगाऊंगा, फिर कॉमा एक और यहां एंड लगेगा, दो एंड हो जाएगी ना, एक एंड और एक एंड, दो एंड। इसमें देते हैं कि सब्जेक्ट 4 3 होगा, माफ कीजिएगा, सब्जेक्ट 3 1 2 चेक कर लिया हमने, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा सब्जेक्ट 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारा चार कंडीशन मैच कर, क्योंकि एक एक एंड में हम एक ही दो कंडीशन लगा सकते हैं ज्यादा नहीं, लेकिन पांच कंडीशन है तो मैं फिर एक और एंड यहां पे लगाऊंगा। फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अब जहां जहां होगा वहां पर ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, और यहां हम इफ कंडीशन लगा लीजिए और इफ में बोलिए कि इफ अगर ट्रू है तो पास अदरवाइज फेल। लेकिन इसको हम नेस्टेड इफ के थ्रू भी कर सकते हैं, तो
चलिए हम नेस्टेड इफ के थ्रू करते हैं। नेस्टेड इफ के थ्रू करते हैं, यहां पे अर्थ इफ अगर सब्जेक्ट वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, अगेन इफ इसके अंदर लगेगा। हम एक इफ के साथ कितने भी इफ लगा सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 30, देन अगला इफ सब्जेक्ट 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, अगेन इफ सब्जेक्ट 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, इफ सब्जेक्ट 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। सब्जेक्ट 5 अगर ओके हुआ देन यहां पे पास आएगा, अदरवाइज फेल। अब यहां पे पास होने के चांसेस एक बार है बट फेल होने के चांसेस 5 बार है। तो जितने इफ हमने लगाया है उतने मुझे इसके फॉल कंडीशन में फेल देना पड़ेगा। सर आपको जस्ट लाइक एक्सेल है, जैसे एक्सेल में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमें यहां पे ग्रेड देना है, तो चलिए हम यहां पे एक नया डेटा लेते हैं एंटर डेटा के थ्रू। तो क्या कहता है कि अगर 40 से नीचे हुआ तो सी, 40 टू 60 में बी, 60 टू 90 में ए और ग्रेटर देन 90 में ए प्लस। तो यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कॉलम जी आर डी ग्रेड इफ मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 40, यहां पे आ जाए सी ग्रेड। If marks marks is less than equal to 60, तो आए ये if marks is less than equal to 90 तो आर ए ग्रेड। मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर 90 तो इसमें बहुत सारे इफ है, इसमें ब्रैकेट होता है क्लोज करना है तो आप मैनुअली क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आसानी से की जा सकती है, राइट सर। उसी तरह आठवां नंबर क्वेश्चन इसी तरीके से है, ये स्लैब इंसेंटिव है, बस जब जहां पे एबीसीडी दिए हो वहां पे आप ये चीज दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए, कल की क्लास में हम टेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करें।